अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब क्या कानून अंधा नहीं है? आंखों की पट्टी महज तस्वीर से हटाने से इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा क्या? जी हाँ, आज इस सवाल पर तबसरा करते हैं, क्योंकि आज न्याय देवता की आंखों पर लगी पट्टी हटा दी गई। आपने उमूमन इंसाफ की देवी की तस्वीर देखी होगी, जिसमें एक हाथ में इंसाफ का तराजू तो दूसरे हाथ में तलवार है और आंखों पर पट्टी लगी हुई है। पर अब उसे हटा दिया गया और तलवार की जगह एक किताब दी गई है, जिसे आप संविधान कह सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में बदलाव किया गया और आंखों पर लगी पट्टी हटा दी गई। आंखों पर पट्टी भी समानता, एक जाति और इंसाफ की निशानी के तौर पर कहा जाता रहा, और दूसरे हाथ में तलवार इंसानी हुकूक और मुजरिमों को सजा के तौर पर दिखाया जाता रहा। लेकिन अब इसे बदल दिया गया। इन तमाम के बावजूद सवाल उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज ही कर्नाटक के हाई कोर्ट की एक बेंच ने सितंबर में हुई एक वारदात की सुनवाई में कहा, मस्जिद में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाने की सुनवाई में उन्होंने फैसला सुनाया कि मस्जिद में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना किसी दूसरे मजहब वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। इत्तला के मुताबिक दक्षिण कन्नड़ की एक मस्जिद में दो अफराद मस्जिद में दाखिल होते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मामला अदालत में पहुंचता है और आज हाईकोर्ट कहता है कि नारा लगाने से किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती। अब इसे क्या कहा जाए? क्या पट्टी बांधने से और पट्टी निकालने से कोई फर्क भी पड़ रहा है? पहले भी न्याय देवता जब आंखों पर पट्टी थी तब भी हरा और भगवा रंग पहचान लेती थी। अब तो खुली आंखों से कमजोर ताकतवर अमीर गरीब के फर्क को आसानी से देख सकती है। पिछले कुछ अरसे में कई ऐसी वारदातें देखने को मिली जिससे वाकई न्याय देवता इंसाफ कर रही है क्या? ऐसा सवाल बार बार उठता रहा है। कई फिल्मों के गाने भी कानून को अंधा कहते हुए बनाई गई। अंधा कानून में तो टाइटल सॉन्ग ही पूरी न्याय व्यवस्था की हकीकत को खोल कर रख देता है, ऐसा कई इल्मी माहिरीन का कहना है। किशोर कुमार की आवाज में यह गाना भारत की न्याय व्यवस्था पर जर्ब लगाता है। उसके बोल यूं हैं, लोग अगर इससे डरते तो मुजरिम जुर्म न करते। माल लुटेरे लूट गए, रिश्वत देकर छूट गए। असमतें लुटी चली गोली, पर इसने आंख नहीं खोली। खैर, आज आंख तो तस्वीर से खोल दी गई है, मतलब पट्टी हटा दी गई है, पर हालात दिन ब दिन कहां जा रहे हैं पूरा मुल्क देख रहा है। बहराइच में मुसलमानों के घरों पर हमला किया गया, 50 से ज्यादा मुसलमानों के मकान जला दिए गए, एक की मौत की भी इत्तला हासिल हुई है। आज पांचवा दिन है इंटरनेट बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तो कई हिदायत देता रहता है, पर यहाँ कौन सुनता है सुप्रीम कोर्ट की? आज इंसाफ की देवी की आंखों से हटी पट्टी पर ही बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नफरती बयानात हेट स्पीच पर पुलिस अफसरों को किसी की फरियाद का इंतजार न करते हुए मुजरिम को हिरासत में इनकी गिरफ्तार करने का फैसला सुनाया, पर अब तक किसकी गिरफ्तारी पेश आई है? मुस्तकिल नफरती गिरोह बयानबाजी में मसरूफ है। नितेश राणे, रामगिरी महाराज, योगी आदित्यनाथ और खुद वजीर आजम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, जब भी चुनाव होते हैं और चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद एक समाज को लेकर नफरती बयानात की बात देखने को मिलती है। आज आंखों की पट्टी खोलने पर डर यही लग रहा है कि आंखों पर पट्टी थी तो भगवा और हरा रंग का कौन है पहचाना जाता था, अब तो आंखें खुली हुई है। अब और भी आसान तो नहीं हुआ कि कौन क्या है सामने से ही देखने को मिलता। अदालत में कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा मस्जिद में लगाना जुर्म नहीं है, लिहाजा न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हेट स्पीच देने वालों पर महज रस्मी मुकदमे दायर किए जाते हैं, वही दूसरी ओर अकलती समाज का कोई अफराद फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट भी अपलोड करता है तो उसे हिरासत में लेने के लिए पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती है। गरीब बेबस और खासकर अकलती समाज के घरों पर बेरहमी से बुलडोजर चलाया जाता है और उसे इंसाफ का प्रतीक यानी कि इंसाफ की पहचान माना जाता है। ये वाकई इस मुल्क के लिए शर्म की बात कह सकते हैं। अब पट्टी बिठाओ या पट्टी हटाओ, इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। मुजरिम अगर भाजपा या दिगर अक्षरियत समाज से है तो इंसाफ के पैमाने बदल दिए जाते हैं। सवाल उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि क्या सिर्फ आंखों की पट्टी हटाने से इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा या जुल्म का मियार और भी बढ़ जाएगा? वैसे भी अदालतों में और पुलिस थानों में अकलियतों के साथ क्या मामला रवैया किया जा रहा है, इसका डर आज भी बरकरार है। मस्जिदें, दरगाहें अकलियतों की मुकद्दस जगह है, मंदिर हिंदुओं की है तो गिरजाघर ईसाइयों की इबादत गाह है। क्या कोई दिगर समाज का कोई अफराद वहां जाकर किसी और मजहबी नारे लगा सकता है? इसके लिए कोई और बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यकीनन एक जुर्म है, क्योंकि किसी और की इबादत गाह में जाकर दूसरे मजहब के नारे लगाना अपने आप में गैर संवैधानिक है। पर अब हाई कोर्ट कर्नाटक के जस्टिस एम नाग प्रसन्ना के जरिए मंजूर इस फैसले में कहा गया कि आईपीसी की धारा 295 ये जानबूझकर और गलत नियत से मुतासिर हरकत में से एक है,
जिसका मकसद किसी गिरोह या मजहबी एहसासात को ठेस पहुंचाना नहीं होता। यह समझ में नहीं आता कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी गिरोह मजहब के मानने वालों के जज्बात मजरूह कैसे हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अदालतें सवाल कर रहे हैं, जब शिकायत करने वाला खुद कह रहा है कि उस इलाके में हिंदू मुस्लिम मोहब्बत भाईचारे के साथ रहते हैं। तो इस वारदात का किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता। अगर दिगर मामलात में भी अगर देखना चाहे तो कुछ एक वारदातें देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद मामले को भी आप देख सकते हैं कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मामला, मस्जिद को किसने शहीद किया अब तक मालूम नहीं, जबकि पूरा दिन 6 दिसंबर की उस वारदात को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, हजारों लोग उसके गवाह हैं, लेकिन इंसाफ की देवी की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। 3 तलाक, ज्ञानव्यापी, पता नहीं और कितने फैसले एक समाज को खुश करने के लिए और इख्तदार तक पहुंचने के लिए सियासी दबाव में लिए गए। 2002 की नस्ल कशी कौन भूल सकता है, पूरी दुनिया में भारत का सर नीचा हुआ। आज भी ज़किया जाफरी इंसाफ की उम्मीद में बैठी है कि उसके शौहर की मौत का इंसाफ मिले। पूरी दुनिया ने देखा हजारों मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया और उन्हीं की लाशों पर सियासत भी की गई और वज़ीर आला से लेकर वज़ीर आज़म तक का सफर भी तय किया गया। मॉब लिंचिंग की कई वारदातें भारत में होती रही और ये इसलिए होती है क्योंकि इन्हें इंसाफ कानून वर्दी का कोई डर मुजरिमों को नहीं रहता। पहलू खान को सड़क पर पीट पीट कर मार दिया गया, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए, सीसीटीवी फुटेज को भी अदालत ने बतौर सबूत नहीं माना। अब इसे आप क्या कह सकते हैं, आखिरकार मुजरिमों को क्लीन चिट दी गई। उन नाव मामले में भी गवाहों के साथ तो कभी पीड़ितों पर पुलिस की जानिब से दबाव डाल दिया गया, मतलब जहनों पर पट्टी पहले से बंधी हुई है। आंखों की पट्टी तो खुल गई लेकिन जहनों पर जो अंधभक्ति की जो पट्टी लगी हुई है बजाय उसको खुलने के और भी गहरी होती जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा पर जो जहन नफरत की गंदगी से भरे हुए हैं इन्हें साफ करना जरूरी है। कौन करेगा इन्हें साफ, न्याय देवता तो वही है। आंखों पर महज तस्वीर से पट्टी हटाने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि वहां बैठे जो लोग हैं किसी विचारधारा से मुतासिर न हो, और जब तक नफरती विचारधारा के लोग जहां कहीं भी बैठे हो वहां किसी तरह की उम्मीद बेकार हो जाती है। फिर भले तुम तस्वीर से पट्टी हटा दो या पट्टी बांध दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।